नौवीं की छात्रा से दुष्कर्म करने के करीब 18 माह पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या 5 ने आरोपी कालू सिंह को आजीवन कारावास व 20,000 के अर्थ दंड से दंडित किया है। आरोपी कालू सिंह ने रात के समय 15 साल की किशोरी के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश वर्मा ने बताया कि फरियादी पिता व पीड़िता ने 25 सितंबर 2019 को पुलिस थाना देवली मांझी में शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि उसकी 15 साल की बेटी है जो 9वीं कक्षा में पढ़ती है। 24 सितंबर को वो खेत में चने की फसल निकालने गया था। बेटी शाम को खाना बनाकर अपने कमरे में सो रही थी। रात में 9 बजे गांव का ही रहने वाले कालू सिंह ने घर में घुसकर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया। शिकायत पर देवली मांझी पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट में आरोपी कालू सिंह निवासी बम्बुली पुलिस थाना देवली मांझी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 13 गवाहों के बयान करवाए हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी कालू सिंह को आजीवन कारावास व 20,000 के अर्थदंड से दंडित किया।